ग्राम पंचायत कड़साई में जनसंपर्क अभियान के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने शिव मंदिर की सराय भवन का लोकार्पण किया और समस्त ग्रामवासियों को चुनाव में मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका आभार जताया। जनसभा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटका में गुंडागिर्दी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश जो मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए और कर्नाटका की जनता ने अपना जनादेश जेडीएस और कांग्रेस के पक्ष में दिया है, लेकिन भाजपा सत्ता की भूख में इतनी मदहोश हो चुकी है कि लोकतंत्र प्रणाली को खत्म करने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजनीतिक माहौल खराब है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जो पढ़ी लिखी है, इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम चला हुआ है, वो देश की लोकतंत्र प्रणाली, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके लिए बहुत ही खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जिस प्रकार से गुंडागर्दी के चलते और दबाव के चलते जो है वहाँ पर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक निंदा का कारण है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश जो है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता ने जो जनादेश है वो जेडीएस और कांग्रेस के पक्ष में दिया है। जो सीटों के जो पूरा जोड़ है, 116 सीटें जो है जेडीएस और कांग्रेस पार्टी की है, उसके हिसाब से राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन में जो विधायक हैं, 116 विधायक जो है, उनको पहले बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता में येदियुरप्पा जी को जो है मुख्यमंत्री का शपथ दिलाई। उससे भी एक लोकतांत्रिक जो हमारा संविधान जो है, हमारी जो संस्था है लोकतांत्रिक, उसके अस्तित्व के ऊपर खतरे की जो घंटी है वो मंडरा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा करते रहे, उनके समय में ऐसा होता था, उन्होंने ऐसा किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी जो सैद्धांतिक पार्टी अपने को मानती है, आज उनके सिद्धांत कहां गए? जब उन्हें भली भांति मालूम है कि हमारे पास 105 विधायक हैं, 104 विधायक हैं, तो वो जो 8 विधायक वो कहां से लाएंगे? क्या जो 8 विधायक वो खरीद फरोख्त से इधर उधर से लाएंगे या जेडीएस के तोड़ेंगे या कांग्रेस के तोड़ेंगे, तो क्या उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा? आज प्रधानमंत्री महोदय को ये बात सोचनी चाहिए और ये जनता को बतानी चाहिए। आज जो कांग्रेस पार्टी को तो बड़ी बड़ी गालियां निकाल रहे हैं,